हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर की 3-ply वुल यूज़ की है और 4mm की ये कुछ बीड्स यूज़ की है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ये जो बीड्स है, इन बीड्स को हम पहले इस वुल में गूंथ लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर इसे बनाने के लिए पहले हम इसमें 8 चेन देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर इसे इस तरीके से पहले वाले चेन में स्लिप स्टिच देकर जोड़ लेंगे। फिर यहाँ 3 चेन देंगे, उसके बाद से यहाँ पे 24 डबल क्रोशिया देंगे। ये जो पहला चेन बनाया मैंने, वो मेरा पहला डबल क्रोशिया होगा। ये 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरीके से आप टोटल 24 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लें। 24 डबल क्रोशियाज बनने के बाद, ये जो मैंने फर्स्ट चेन बनाया था, उसमें 3rd चेन में स्लिप स्टिच देकर इसे जोड़ लें। स्लिप स्टिच देकर इस तरीके से जोड़ लें। अब यहाँ पर फिर से हम 3 चेन देकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक मैंने ऑलरेडी बना लिया, ये 2, 3 और ये 4। फिर हम 3 चेन देंगे, 1, 2, 3। अब मोती को इस तरीके से लाकर इस तरीके से इस धागे को खींच लेंगे और फिर इसे छोटा करके यहाँ पर नीचे की तरफ 3 चेन और छोड़कर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। फिर 3 चेन बनाकर मोती को इस तरह लगा देंगे, फिर नीचे 3 चेन छोड़ेंगे, 1, 2, 3 और फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया, 2, 3। फिर यहाँ नीचे की तरफ 3 चेन छोड़कर 1, 2, 3 फोर्थ वाले पे हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। इस तरीके से यहाँ टोटल 6 मोती हमें लगाना है। 6 मोती को जोड़ने के बाद फिर से हमने जो यहाँ फर्स्ट चेन बनाया था, उसमें 3rd नंबर चेन पर हम इस तरीके से इसे स्लिप स्टिच देकर जोड़ लेंगे। स्लिप स्टिच देकर जोड़ने के बाद हम इस तरफ एक और स्लिप स्टिच देंगे और फिर एक और स्लिप स्टिच देंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा।
जो हमने पहले चेन बनाया था वो हमारा पहला डबल क्रोशिया था, और उसके बाद से हमने यहाँ पर तीन और डबल क्रोशिया बनाकर इसे चार कंप्लीट कर लिया। इसके बाद से पांच चेन बनाएंगे, ये तीन चार पांच, फिर इसमें दो मोतियों को पिरो लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक दो तीन, तीन के ऊपर जो ये चेन दिख रहा है वहाँ पर हम फिर से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार, फिर से हम पांच चेन बनाएंगे, तीन चार पांच, और फिर से मोती को, दो मोती को इसमें लगाकर फिर यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। फिर से यहाँ पर दो स्लिप स्टिच दें, ये एक और ये दो स्लिप स्टिच देने के बाद फिर से तीन चेन बनाएं और फिर तीन डबल क्रोशिया, तो टोटल हमारा यहाँ पर चार डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से चार हम बना लेंगे। फिर तीन चेन बनाएंगे, तीन, फिर एक मोती को इसमें इस तरीके से पिरोएंगे, फिर इन बीच में यहाँ पर दो डबल क्रोशिया देंगे, एक और ये दो, और फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर से एक और मोती को इसमें पिरोकर इसके बाद यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन और ये चार। ये देखिए ठीक इसी तरीके से ये पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर से यहाँ पर एक स्लिप स्टिच देकर, इस तरफ एक स्लिप स्टिच देकर इसे जोड़ लेंगे। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये लास्ट राउंड में यहाँ एक स्लिप स्टिच देकर कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर हम एक बार स्लिप स्टिच देंगे और ये दूसरा स्लिप स्टिच, इसके बाद तीन चेन, यहाँ पर टोटल चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन और ये चार, फिर से यहाँ पे तीन चेन बनाने के बाद एक मोती यहाँ पर पिरो लेंगे। अब यहाँ पर ये जो दो डबल क्रोशिया हमने बनाया था इसके ठीक बगल में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया देंगे, फिर इन दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पर इसके बाद एक डबल क्रोशिया और एक और, मतलब टोटल यहाँ पे हमारे पांच डबल क्रोशिया बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर से हम तीन चेन बनाएंगे और फिर से मोती लगाकर
इस एक पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए ठीक इसी तरह से हम ये पूरे राउंड ये पूरा इस यहाँ पर हम बनाते जाएंगे और यहाँ स्लिप स्टिच देकर जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये राउंड कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने यहाँ स्लिप स्टिच देकर जोड़ लिया है और इसका ऊपर का जो लेयर है मैंने वहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर यहाँ 3 चेन बनाए और ये सिंगल मोती को यहाँ पर पिरो लें। फिर यहाँ इसके ऊपर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट वन हमारा 7। फिर इसके पास 3 चेन और फिर एक मोती को पिरोएंगे और फिर इसके बाद से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3 और ये 4। इसी तरीके से ये पूरे लेयर को हम कंप्लीट करेंगे। अब ये जो हमने 5-5 डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर अब 7-7 डबल क्रोशिया बनेगा और फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच आकर वो कंप्लीट होगा। अब ये कुछ इस तरीके का दिखने लगा है। इसके बाद वाले लेयर के लिए फिर से 3 चेन हम यहाँ डालेंगे, मोती को इसमें पिरोएंगे और फिर इस तरफ जो एकदम कोने में हमारा 2 चेन दिख रहा होगा वहां पर 2 डबल क्रोशिया देंगे, 1 और ये 2। फिर 7 चेन देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर 2 मोती को उसमें पिरोकर फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन देंगे और फिर से 1 मोती को पिरोकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। इस लेयर को इस तरीके से ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये लेयर बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर मैंने फिर से 4 डबल क्रोशिया बना दिया है। अब फिर से मैं यहाँ पर 3 चेन दूंगी। ऑलरेडी 1 चेन बना हुआ है इसलिए मैं 2, 3 चेन देकर यहाँ पर एक मोती पिरोने के बाद इस तरफ इसके ऊपर जो 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया हम फिर से बनाएंगे, 1, 2, 3
और ये लास्ट हमारा 5 डबल क्रोशिया। इसके बाद से फिर से हम यहाँ पर 3 चेन देंगे, 1, 2, 3। फिर ये जो हमने इसके पहले वाले लेयर में जहाँ पर 2 मोती को पिरोया था, उसके ऊपर यहाँ 1 मोती आएगा एंड फिर से हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और लास्ट 5 डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे बनाते जाएंगे। फिर से यहाँ पर एक मोती लगने के बाद फिर ये 4 डबल क्रोशिया बनेगा, और जिस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया वो फिर से ये पूरा राउंड बनकर ये राउंड कंप्लीट होगा। ये लेयर बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके बाद के लेयर को बनाने के लिए फिर से हम यहाँ 3 चेन देने के बाद एक मोती को पिरोएंगे। मोती को पिरोने के बाद फिर से हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट 7। इसके बाद से फिर हम 2 चेन देंगे और फिर से यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट 7। फिर से यहाँ 3 चेन बनाकर ये एक मोती को हम इसमें पिरो लेंगे और फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाकर हम इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद से जो भी हम लेयर बनेगा वो बिल्कुल ये लेयर हमने जैसे बनाया था इसके ऊपर, ठीक इसके बाद वाले लेयर भी ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पर बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जितने भी एक एक मोती लगे हुए हैं यहाँ पर 3-3 चेन बनेगा, और यहाँ पर जब हमने 2 मोती लगाया था यहाँ 5 चेन था, और यहाँ जब 2 मोती लगाएंगे इसमें 7 चेन होगा। मतलब यहाँ पर बस इसी ही लेयर में हमारा 5-5 चेन बनेगा। इसके बाद से ये पूरा थालपोस बनने तक जहाँ जहाँ हम 2-2 मोती लगाएंगे वहाँ वहाँ हमारा 7 चेन ही बनेगा, और यहाँ पर 2 चेन बनाकर 7-7 डबल क्रोशिया बनेगा। ये वाली लेयर कंप्लीट होने के बाद ये क्रोचेट वर्क कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद की जो ट्रायंगल जो हमने बनाई है, इसके बाद की जो ट्रायंगल्स बनेंगी वो भी सेम इसी तरीके से बनेंगे जिस तरीके से ये सारे ट्रायंगल बने हैं।
आशा करती हूँ ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।